फिल्म प्यार का पंचनामा फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसका तीसरा पार्ट बनने जा रहा है जो आने वाले साल में रिलीज हो सकता है, पर इसमें कास्ट कौन सी रहने वाली है ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक आर्यन इस बार आपको हंसाते नहीं दिखेंगे, उनकी जगह कोई और लेगा या नहीं ये अब तक तय नहीं हुआ है। बता दें कि इस फिल्म की सीरीज पर कार्तिक आर्यन ने अपने नाम का ठप्पा लगाया हुआ है। वो ऐसे कि लव रंजन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जो भी एक्टिंग और डायलॉग की डिलीवरी कार्तिक ने की थी वो शायद ही कोई और कर पाए। पर अब बात आती है कि इस फिल्म के तीसरे इंस्टॉलमेंट की, तो इसमें शायद आपको कार्तिक आर्यन ना दिखें। इंडिया टुडे के सूत्र के हवाले से ये पता चला है कि मॉडर्न रिलेशनशिप को कैसे डील करना है इस पर ये फिल्म में दिखाया जाने वाला है। पर इस बार नई कास्ट और नए किरदार होंगे जिससे फिल्म को एक नया फ्रेश फ्लेवर दिया जा सके। मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि इस बार फिल्म में नए एक्टर्स को मौका दिया जाए जिससे वो ऑडियंस के साथ, न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट कर पाए। लव रंजन ने इससे पहले की दोनों फिल्में बनाई हैं, लव अपने विटी और रिलेटेबल स्टोरी लाइन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जो ह्यूमर उन्हें पिछली दो फिल्मों में देखा था इसमें भी वो देखने को मिले। प्यार और रिलेशनशिप पर कुछ गजब का लव रंजन लिखेंगे ये तय है। हालांकि चीजों के बारे में कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हर कोई दिल से चाहता है कि कार्तिक आर्यन ही फिल्म में लीड रोल अदा करते दिखें। ये बात पक्की है कि ये फिल्म बाकी दो फिल्मों की तरह फैंस का मनोरंजन करेगी। नई कास्ट आती है या वही दिखे दिखाए पुराने चेहरे, ये पूरी तरह से मेकर्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।